फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजर ले ली है कद्दूकस करके, 200 ग्राम चीनी ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए, देसी घी, आधा लीटर हमने दूध ले लिया है फुल मलाई वाला, मावा, मगज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा घी गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया, अब हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भूनते जाएंगे। गाजरों को भूनते हुए हमें लगातार 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, इसमें से जूस भी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तब तक भूनना है जब तक इसमें से सारा पानी सूख ना जाए। अब इसमें से पानी सारा सूख चुका है, अब हम इसमें आधा लीटर मलाई वाला दूध ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम अच्छे से सुखाएंगे, तब तक हम इसे पकाना है। अभी इसमें से दूध काफी हद तक सूख चुका है, अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। अभी इसमें से दूध सूख चुका है, अब हम इसमें देसी घी थोड़ा सा और डालेंगे ताकि हलवे की शाइनिंग बनी रहे। थोड़ा सा मावा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम मावा बचा लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। अभी गाजर का हलवा बनकर एकदम रेडी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अभी गाजर का हलवा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।